हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज के टास्क में आज आपको क्या पढ़ना है, क्या मैं पे टास्क कवर करना है। और न्यू मेंबर के लिए यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं, अगर आप लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आप इस टास्क को फॉलो कर सकते हैं, जिससे अपनी पढ़ाई को और ज्यादा इम्प्रूव और एनहांस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेंस का क्वेश्चन भी लिखने के लिए दिया जाएगा, डेली दिया जाते हैं, आज आपको एक क्वेश्चन लिखने के लिए दिया जाएगा। ओके, तो इस वीडियो को अंत तक अच्छे से देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये सुबह 8 बजे डेली आपको ये टास्क मिल जाता है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, आज आपकी तैयारी का 28वां दिन देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको डेट 5 अगस्त देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप लोग को आज वाले दिन यहाँ पर हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 7 जो आपको अवर पास्ट 2 के नाम से, या फिर हिंदी में हमारा अतीत भाग 2 के नाम से आपको बुक देखने को मिलेगी, हिस्ट्री की, इतिहास की बुक देखने को मिलेगी। इसकी आपको स्टार्टिंग के आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं, यानी कि 1 2 3 4 5। ओके, केवल आपको स्टोरी, जैसे आप लोग स्टोरी पढ़ते हैं या फिर नोवेल पढ़ते हैं ना, उसी तरह से आपको पढ़ना है। इसके नोट्स नहीं बनाने हैं, जिसके नोट्स आपको बनाने होंगे हम आपको बता देंगे, लेकिन बहुत अच्छे से स्टोरी के फॉर्म में आपको इसको पढ़ना है। इसके अलावा दूसरा आपको यहाँ पर टास्क दिया जाता है कि आपको एडिटोरियल आपको पढ़ना है, जो भी न्यूज़पेपर है आज का। अगर हिंदी का पढ़ते हैं तो वहां पर लेख देखने को मिलेगा, इंग्लिश का पढ़ते हैं तो वहां पर एडिटोरियल के नाम से आपको देखने को मिलेगा। तो वो आपको एटलीस्ट एक लेख यानी कि एक एडिटोरियल आप लोगों को पढ़ना है, उसके नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ सिंपली उसको पढ़ना है। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं मैपिंग टास्क क्या है। तो देखिए, मैपिंग टास्क क्या है, तो जो एशिया की फिजिकल लोकेशन आगे की है, अभी तक आपको कल तक बहुत सारी फिजिकल लोकेशन दे चुके हैं, आगे की जो फिजिकल लोकेशन है वो आपको दी जा रही है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको अंडमान सी देखने को मिलेगा, अंडमान सी से स्टार्टिंग होगा। तो देखिए, अंडमान सी कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको अंडमान सी में, देखिए थोड़ा साइड हट जाता हूँ, देखिए अंडमान निकोबार जो आपको द्वीप देखने को मिलेगा ना, वहां पर ही आपको देखने को मिलेगा अंडमान सी। अब देखिए, अंडमान सी के बाद में आप इधर देखिएगा, दूसरा गल्फ ऑफ मर्तबाग। अब ये कहाँ पर है, हो सकता है आपके मैप पर ना दिया रखा हो, तो जहाँ पर म्यांमार आपको देखने को मिलेगा ना, तो देखिये मैं एकदम साइड से हट जाता हूँ जिससे आप लोगों को दिख जाए। तो देखिये, इस तरह से आपको एक गल्फ टाइप का, मतलब एक तरह से खाड़ी टाइप का एरिया दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं गल्फ ऑफ मर्तबाग के नाम से जानते हैं। और देखिए, मैप पर हम आपको बताते हैं हमेशा, जैसे आप टहलते हैं घूमते हैं अपनी गलियों में, उसी तरह से आपको घूमना है। तो देखिए, अंडमान से होते हुए आप कहाँ पहुंच जाएंगे, मर्तबाग, और मर्तबाग से आगे आप कहाँ पहुंच जाएंगे, बे ऑफ बंगाल में आप पहुंच जाएंगे। बे ऑफ बंगाल से आगे आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर पाक जल संधि आएगी। पाक जल संधि आप लोगों को देखना है कि किस किस के बीच में है, पहले देखना है किन दो देशों के बीच में है, फिर देखना है भारत के अंदर, देखना है कि कौन से स्टेट के, स्टेट और श्रीलंका के बीच में आपको देखने को मिलेगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर देखिए, आपको इस तरह से बे ऑफ बंगाल, फिर आपको पाक जल संधि देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद में आपको मन्नार की खाड़ी। अब मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है, यही आपको यहाँ पर आपको मन्नार की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए, श्रीलंका के पास में आपको मन्नार की खाड़ी आराम से देखने को मिल जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है, और फिर आप लोग आगे इस तरह से जाएंगे, तो देखिए आप लोग आगे जाएंगे, फिर आपको देखिए यहाँ पर लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। ओके, फिर आप लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे। ओके, तो देखिए, अब आप लोग आगे जाएंगे ना, तो देखिए गल्फ ऑफ खंबात देखने को मिलेगा। तो देखिए, जो गुजरात है ना, ये देखिए सूरत आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, पहली यहाँ पर एक खाड़ी टाइप की दिख रही है ना, और एक यहाँ पर आपको दिख रही है, ये एक नंबर है, दो नंबर समझ लीजिए। ओके, तो देखिए, एक गल्फ ऑफ खंबात है, ये पहली वाली क्या है, गल्फ ऑफ खंबात है सूरत के पास में, और थोड़ा सा आप आगे आप जाएंगे कच्छ के इधर, तो आपको गल्फ ऑफ कच्छ आपको देखने को मिलेगी, मतलब कच्छ की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए, जो पहला वाला है ये क्या है, खंबात की खाड़ी है, दूसरा वाला क्या है, कच्छ की खाड़ी आपको देखने को मिलेगा। फिर आप लोग थोड़ा सा आगे इस तरह से घूमते हुए जाएंगे, फिर देखिए आप लोग इधर आ जाएंगे आगे। तो देखिए, आगे हम लोग देख लेते हैं, तो देखिए आगे आप लोग आएंगे इस तरह से, देखिए यहाँ तक हम लोग आए थे ना, ये पाक जल संधि था, फिर मन्नार की खाड़ी हम लोगों को मिली, फिर आगे आप लोग आएंगे तो लक्षद्वीप देखने को मिलेगा, फिर आपको खंबात की खाड़ी, फिर आपको कच्छ की खाड़ी, इस तरह से देखिए हम टहल रहे हैं। ओके, फिर देखिए अरेबियन सी है, वैसे तो ये सारा अरेबियन सी के अंदर ही पड़ता है, फिर देखिए आप यहाँ पर आपको अरेबियन सी देखने को मिलेगा। फिर आपको देखिए यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, देखिए ये अरेबियन सी के बाद में गल्फ ऑफ ओमान, देखिए ये आपको दिख रहा है ना, पूरी ये दिख रही है ना इस तरह से, तो देखिए स्टार्टिंग का जो पार्ट है, ये स्टार्टिंग का जो पार्ट है ना, ये क्या है, गल्फ ऑफ ओमान है। फिर आगे आप जाएंगे इस तरह से तो आपको पर्शियन गल्फ देखने को मिलेगा, देखिए ये पर्शियन गल्फ है, फिर इधर आपको गल्फ ऑफ ओमान आपको देखने को मिलेगा, ओमान की खाड़ी आपको देखने को मिलेगा, आगे पर्शियन की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी। फिर देखिए आप दोबारा से रिटर्न होकर के इससे आएंगे, क्योंकि आगे भाई रास्ता बंद है, आगे हम कहाँ जाएंगे, तो हम क्या हो जाएंगे,
रिटर्न हो जाएंगे भाई, हम आगे नहीं जा पाएंगे। फिर देखिए आप लोग इधर आएंगे तो देखिए रेड सी में प्रवेश करने से पहले आपको गल्फ ऑफ जो एडन है उसको आपको पार करना पड़ेगा। तो देखिए आपको एडन की खाड़ी देखने को मिलेगी, फिर आप कहाँ चले जाएंगे, लाल सागर यानी कि रेड सी में आप लोग चले जाएंगे। ओके, और फिर यहाँ पर आकर के भाई इधर रास्ता बंद है, लेकिन यहाँ पर आपको देखिए एक कैनाल देखने को मिलेगी, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। इस कैनाल के माध्यम से आप रेड सी से आप कहाँ चले जाएंगे, भूमध्य सागर में चले जाएंगे। ओके, तो देखिए उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी मान लीजिए कि यहाँ से आगे रास्ता बंद है। ओके, तो देखिए आपको ये लोकेशन है इसी तरह से इसी क्रम में आप लोगों के लिए देखनी है, एक दो बार देखिएगा, और जितनी लोकेशन अभी तक हम आपको पढ़ा चुके हैं उनका एक बार रिवीजन भी कर लिया करिए। जब आप इन लोकेशन को किया करिए उससे पहले उन सभी को एक ब्रीफली ऐसे जल्दी 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 देख लिया करिए, तो आप लोग जल्दी जल्दी देखेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोग मैप को समझने लगेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। तो ये देखिए आईएएस मेंस में 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल के समय में भारत में आर्थिक समृद्धि की प्रकृति का वर्णन अक्सर नौकरी विहीन समृद्धि के तौर पर किया जाता है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए। तो इसमें पूछा जा रहा है कि देखिए जो हमारे देश में आर्थिक समृद्धि तो हो रही है, लेकिन उसकी जो प्रकृति है अगर हम देखें तो वहां पर नौकरियों का सृजन नहीं हो रहा है उस अनुपात में, तो नौकरियों का सृजन नहीं हो रहा है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अगर आप इस विचार से सहमत हैं तो तर्क दीजिए, और आप लोगों को जब भी आंसर लिखिए तो संतुलित वे में लिखिए, ऐसा एकदम नहीं कि इसके नकारात्मक ही पक्ष पर आप लोग चले गए, कुछ आपको बताना है कि नहीं, इस तरह की चीजें भी भारत में आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो आपको थोड़ा सा संतुलित आंसर देना है। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर है वो यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। अभी देखिए आप लोगों का जुलाई में हम लोग आपको ज्योग्राफी एनवायरमेंट की एनसीईआरटी कवर करा चुके हैं, अब अगस्त आ गया है, तो अगस्त में आप लोगों की हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर की जो मतलब ये क्लासेस नहीं, मतलब आप लोगों के लिए घर से टास्क दिया जाता है पढ़ने के लिए, और क्लासेस भी आप लोगों की चलती हैं। क्लासेस का टाइमिंग आपको यहाँ पर 3 बजे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर पीसीएस की क्लास लाइव क्लास चलती है, और एक 6 बजे शाम को चलती है आईएएस की क्लास आपको देखने को मिलेगी, और एक करंट अफेयर की क्लास आपको रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलती है। ये दोनों लाइव क्लासेस होती हैं, ये रिकॉर्डेड क्लास होती है। ओके, तो आकर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और ज्यादा इंप्रूव और एनहांस कर सकते हैं। ये सारी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर ही चलती हैं। ओके, तो इसी तरह से सभी लोग टास्क अपना कवर करते रहिए और सेंड करते रहिए। ओके, और अपनी पढ़ाई को इसी तरह से जारी